Hello everyone, welcome to my channel. I am Bila Patel. Today we will learn chapter 4 from class 4th EVS book. The chapter is on the story of Amrita. Okay, Amrita ki kahani ke bare mein hum padhenge aaj. This is a true story from long long ago. Ye ek sachi kahani hai. Bahut bahut saal pehle ki hai. Almost 300 years ago. Okay, lagbhag 300 saal purani ye kahani hai. In a village called Khejli, लिव अमृता. खिजली नामक एक गांव में अमृता रहती थी. खिजली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान. ओके, खिजली विलेज कहाँ पे था? तो वो जोधपुर के नज़दीक राजस्थान में था. ठीक है. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खिजड़ी ट्री दैट ग्रू देयर. ओके, खिजली नाम उनका क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे उस गांव में खिजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे. ठीक है, इसलिए उनका नाम खिजली पड़ा. The people of this village took great care of the plants, trees and animal. उस गांव के जो लोग थे वो plants की, tree की और animals की बहुत ही care करते थे. Okay? Goats, deer, hare and peacock roam fearlessly there. Okay? वहाँ पे जो बकरियाँ थी, हिरणे थे, hares मतलब जो rabbit को बोलते हैं हम, फिर peacock, मोर, वो सब वहाँ पे बिना किसी डर के घूमते फिरते थे. ओके, द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम. ओके, गांव के जो लोग थे उनको अपने जो पूर्वज थे उन्होंने सिखाई हुई बात अभी भी उनको याद थी. वो अक्सर बोलते रहते थे कि अगर पेड़ है तो हम है. प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विथआउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विथआउट देम. उनके जो पूर्वज थे वो क्या कहते रहते थे उन लोगों को कि अगर पेड़ है तो हम है. ओके, जो प्लांट्स और एनिमल है वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन हम उन पे डिपेंडेंट है. लेट्स सी नेक्स्ट. अमृताज फ्रेंड. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्री. ओके, अमृता का फ्रेंड कौन था? तो जो पेड़ थे वो उनके फ्रेंड थे. तो अमृता क्या करती थी, सुबह रोज जल्दी उठती थी और उनको मिलने जाती थी, ग्रीट करने जाती थी. ठीक है, सी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. वो उस दिन के लिए एक स्पेशल ट्री को चूज करती थी. सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. ओके, वो क्या करती थी, अपनी जो आर्म है वो जो ट्री ट्रंक है उसके अराउंड ले जाती थी, मतलब जैसे हम हग करते हैं किसी को इस तरह. ठीक है, और विस्पर करना, विस्पर दैट मीन्स कि धीरे धीरे से कुछ बोलना. ठीक है, उसको विस्पर बोलते हैं. तो वो ट्री को क्या बोलती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल. कि दोस्त तुम बहुत ही मजबूत और सुंदर हो. यू केयर फॉर अस, तुम हमारी केयर करते हो. थैंक यू ट्री, धन्यवाद ट्री, आई लव यू वेरी मच. तुम मुझे बहुत पसंद हो. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, तुम मुझे तुम्हारी ताकत भी दो. ठीक है, इस तरह से वो जो ट्री थी पेड़ से उनसे बातें करती थी. ओके, लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. ओके, अमृता की तरह जो दूसरे भी बच्चे थे उनकी भी एक स्पेशल ट्री थी. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री. वो लोग भी वृक्ष की छाव में घंटों तक खेलते रहते थे. ओके, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड्स वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. वहाँ पे कोई ऐसी जगह है कि आपके घर के पास में या स्कूल में कि रोड साइड पे कि जहाँ पे बहुत सारे जो ट्री है वो प्लांटेड किए गए हो, उगाए गए हो? तो यस, देयर इज अ बिग गार्डन नियर माई हाउस. मेरे घर के पास में एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है. ओके, इन द गार्डन देयर आर सेवरल बिग ट्रीज. ओके, हैव बीन प्लांटेड. वहाँ पे बहुत सारी बिग ट्री को प्लांटेड किया हुआ है. ठीक है, अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई प्लेस नहीं है तो स्कूल में होगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, यस देयर इज अ बिग गार्डन इन माय स्कूल. ओके, इन द गार्डन देयर आर सेवरल बिग ट्री हैव बीन प्लांटेड. अदरवाइज आपको वो भी नहीं है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयर आर सेवरल ट्री हैव बीन प्लांटेड अलोंग द रोड साइड्स. ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो. आपको यहाँ पे दिया है कि आपके ध्यान में कोई ऐसा प्लेस है कि आपके घर के पास में, स्कूल के पास में या फिर रोड के दोनों साइड पे, अलोंग दी रोड साइड्स. ओके, वहाँ पे ट्री को प्लांट किया हो. आपको कुछ भी आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे यहाँ पे लिखना है. ठीक है,
okay, the answer may vary from students to student, okay, based on their own experience and own observation. Okay, let's say next. Why were they planted there? Okay, वो वहाँ पे क्यों plant किए हुए हैं? तो they were planted there to give shade, fruits, flower and to keep the air fresh. Okay, तो देखो हम tree को क्यों उगाते हैं? तो हमारा यही रीजन रहता है कि हमें अच्छी साया मिले, ठीक है, फिर फ्रूट्स मिले, फ्लावर मिले और हम जो हमारे सराउंडिंग जो एयर है वो भी क्लीन हमें मिले, ठीक है. तो इसी पर्पज हमारा, यही पर्पज हमारा रहता है, ठीक है. और भी बहुत सारे पर्पज है, जैसे कि ट्री विल हेल्प टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ट्री विल हेल्प अस टू ब्रिंग रेन, ओके, बहुत सारे हैं. लेकिन आपको जो भी ठीक लगे आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हुज डज दिस? आपने किसी को वृक्ष की देखभाल करते हुए देखा है? हु डज दिस, कौन करता है वो? तो यस, फोर पर्सन्स आर टेकिंग केयर ऑफ द ट्री इन माई गार्डन. ओके, दे आर कॉल्ड गार्डनर. ओके, जो भी केयर करता है ट्री की उसको हम गार्डनर बोलते हैं, ठीक है. हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? आपके गार्डन में जो बहुत सारी ट्रीज है उनमें से किसी एक वृक्ष के ऊपर भी आपने फ्रूट्स को देखा है? हु ईट्स दिस फ्रूट्स, कौन खाता है वो फ्रूट्स? यस, देर आर अ पोमीग्रेनेट एंड मैंगो ट्री इन दी गार्डन. ओके, सो आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन देम. ओके, हु ईट्स दिस फ्रूट? सो दो सॉरी पीपल हु लुक आफ्टर द ट्रीज ईट दिस फ्रूट्स. ओके, एंड समटाइम्स सम बर्ड्स ऑल्सो ईट दिस फ्रूट्स. ओके, जो बर्ड्स है वो तो खाते ही है और जो पीपल जो है वो ये जो ट्री है उनकी देखभाल करता है वो लोग खाते हैं, ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट. ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन. ओके, ललिता ने क्या फील किया? जो मतलब ग्रास और छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स बोलते हैं वो उनके जो स्कूल वॉल है, ओके, वहां पे ग्रो हो गए. ओके, किसी ने प्लांट नहीं किए. ओके, नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन, किसी के द्वारा उसको प्लांट नहीं किया गया है फिर भी वहां पे ग्रो हो गए, ठीक है. डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड? आप भी किसी ऐसी जगह को जानते हो जहां पे ऐसे मतलब ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्री जो है वो अपने आप उग जाती हो? तो यस, इन दी फील्ड्स, ओके, एंड अलोंग दी रोड साइड्स एंड इन एम्प्टी प्लॉट्स. ओके, देर आर सो मैनी ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विथाउट बींग प्लांटेड. ओके, ऐसी कोई जगह होती है कि जहाँ पे ऐसे ही खुली जमीन जहाँ पे पड़ी रहती है वहाँ पे वो अपने आप उग जाता है, ठीक है, किसी को प्लांटेड करने की जरूरत नहीं होती है. ओके, वो बारिश के पानी से अपने आप उसका ग्रो हो जाता है. ओके, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आपको ऐसा कैसे लगता है कि वो अपने आप उगते हैं, ठीक है? बिकॉज नो बडी हैज प्लांटेड देम. ओके, वी ऑल नो दैट, स्टिल दे आर ग्रोइंग देयर. ओके, बाय नेचर हमको पता है कि कोई उसे उगाता नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अपने आप उग जाते हैं. तो हमें लगता है कि वो, सो वी फील दैट दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. ट्रीज इन डेंजर. ओके, एक बार क्या हुआ, चलो देखते. टाइम वेंट बाय. ओके, टाइम चला गया. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. अमृता बहुत बड़ी हो गई. वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. एक दिन वो ट्री को ग्रीट करने के लिए गई. उसका हर रोज का ये नियम था कि वो हर रोज सुबह उठ के ट्री को ग्रीट करने जाती थी, तो आज भी वो गई. सी सो दैट देर वेर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज. उस दिन उसने क्या देखा कि कुछ अनजान लोग वहाँ पे आए हैं. ओके, गाँव में दे हैड एक्सेस विद देम. ओके, उनके पास में एक्सेस थी, मीन्स कुहाड़ी बोलते हैं इस तरह की, ठीक है, वो थी. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्री फॉर वुड. वो जो अनजान लोग आए थे उन्होंने क्या कहा कि हमको राजा ने भेजा है, ओके, ट्री को कट करने के लिए. ट्री को कट करके उनको वुड को ले जाना था. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. ओके, जो राजा का पैलेस बन रहा था तो उनके लिए उनको वुड की जरूरत थी, तो वो ट्री को कट करने के लिए आए. ओके, अमृता वॉज शॉक. अमृता को आघात लगा. सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट. वो वहां पे चली गई जहां पे वो अनजान लोग उसको काटने वाले थे. सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग इट टाइटली. देखो इस तरह से उसने उसको टाइटली हग कर दिया. ओके, द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन हर.
तो उन लोगों ने क्या किया, उनको डराया धमकाया, बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, पर अमृता ने उसको छोड़ा नहीं उस ट्री को। द किंग्समैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। ओके, जो किंग्समैन थे उनको तो राजा का ऑर्डर को मतलब फॉलो करना ही था। दे हैड टू कट द ट्री, तो उनको तो ट्री कट करनी ही थी। ओके, ऑन सीइंग दिस अमृताज डॉटर एंड हंड्रेड ऑफ विलेजर्स। ओके, जैसे कि अमृता ने इस तरह से इसको हक किया था। ओके, ये लोग मतलब ट्री कट कर रहे थे, फिर भी उसने उनको हक मतलब ऐसे टाइटली पकड़ा था, वो उसने छोड़ा नहीं। ठीक है, तो ऐसा देख के जो और भी अमृता की जो डॉटर्स थी, ओके, उनकी जो बेटियां थी, उसने भी, और हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, ओके, गांव के बहुत सारे लोगों ने भी, जो इसमें से कुछ ओल्ड भी थे कुछ यंग भी थे, उन्होंने भी ट्री को इस तरह से हक किया जैसे अमृता ने किया। ओके, वो हक इसलिए किया क्योंकि वो उस ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो उसको कट होने देना नहीं चाहते थे, इसलिए इसे टाइटली पकड़े रखा। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री। फिर ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे गांव वासियों और ये अमृता और उसकी जो बेटियां थी वो मर गई। वो कैसे, तो देखो इस तरह से इसने टाइटली हक किया था, ये लोग मतलब काटते रहे, उनको चोट लगती रही, फिर भी उन्होंने हक करना नहीं छोड़ा, उसको टाइटली पकड़े रखा। तो जैसे ट्री को मतलब वो लोग काट रहे थे, तो इन लोगों को भी मतलब चोट लग रही थी, और ऐसे में ये तो ट्री तो मतलब गिर गई कट के, और ये लोग भी मर गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इनको इतना लगाव था ट्री से कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस ही कुड नॉट बिलीव दैट पीपल गेव अप देयर लाइव्स फॉर ट्री। ओके, जब राजा को पता चला, राजा ने जब ये सब सुना, तब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग हैं वो ट्री के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ठीक है, अपना जीवन भी दे सकते हैं। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो खुद आया और उनने गांव को विजिट किया। ठीक है, उसकी ओके, राजा खुद आया और खुद आकर उसने गांव को देखा, गांव वासियों को देखा, फिर देर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल। फिर वहां के उसने क्या देखा, क्या सीखा कि विलेजर्स जो है वो ट्री की और एनिमल की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ट्री और एनिमल के प्रति कितनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, वो उसने वहां पे आके देखा। डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से। क्या आपको पता है कि इस गांव के जो एल्डर्स थे वो क्या कहते थे। दे यूज टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विथआउट अस, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विथआउट देम। ओके, ये आगे हमने देखा। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देर वेर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। डिस्कस दिस इन योर क्लास। क्या आपको लगता है, आप ऐसा सोच सकते हो कि हम अगर एक भी ट्री और एक भी एनिमल नहीं है तो हम उसके बिना सर्वाइव कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्लास में डिस्कस कीजिए। तो देखो मेरे हिसाब से नो, वी कुड नॉट सर्वाइव विथआउट ट्रीज एंड एनिमल, बिकॉज द नेचर साइकिल जो है विल नॉट कम्प्लीट विथआउट देम। ठीक है, हम जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े बड़े एनिमल्स तक, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जो हमारी नेचर साइकिल बनती है, ओके, वो कंप्लीटली एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। अगर हम वहाँ पे जो कोई ट्री और एनिमल नहीं है तो वो हमारी नेचर साइकिल जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, आपको आपका जो भी ओपिनियन है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग्स ग्रेटली। गांव वासियों की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ट्री के प्रति, वो किंग को उसका असर हुआ। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल हार्म इन दैट एरिया। ओके, फिर उसने ऑर्डर दिया, तब से लेके आज तक कोई भी ट्री कट नहीं हुई और किसी भी एनिमल को हार्म नहीं हुआ। ठीक है, नुकसान नहीं हुआ वो एरिया में। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कोल्ड बिस्नो इज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, आज भी 300 साल बाद भी जो वहाँ के जो पीपल है उस एरिया के, वो उसको बिस्नोई कहते हैं। ठीक है, वो अभी भी प्लांट को और एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विथआउट फियर। ओके,
ओके मिडल ऑफ द डिजर्ट, वो एरिया अभी डिजर्ट मतलब रेगिस्तान के आसपास, रेगिस्तान उसके आसपास होते हुए भी वहाँ पे जो एरिया है वो ग्रीन, और वो ग्रीन है ओके okay? और वहाँ पे जो एनिमल्स है वो अभी भी फियरलेसली वहाँ पे घूमते फिरते हैं, ठीक है। डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड नाउ? क्या आपको याद है कि क्लास 3 में आपने एक वृक्ष को दोस्त बनाया था, अब वो आपका दोस्त कैसा है? उसके वहाँ ये सब आपको डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड्स दिस ईयर, आप इस साल भी कोई एक फ्रेंड क्यों नहीं बनाते? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स, एटले यहाँ पे ट्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फ्रेंड बनाना है लेकिन वृक्ष को फ्रेंड बनाना है, पेड़ को फ्रेंड बनाना है, ठीक है। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स, आपने देखा आपका दोस्त कैसा है? चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर, वो कैसे बदलता रहता है, ठीक है, साल के कुछ कुछ महीनों में, ठीक है। तो देखते हैं, राइट अबाउट एनी वन ट्री, ठीक है। वो आपके जितने भी वृक्ष दोस्त हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। डज द ट्री फ्लावर, आपका जो वृक्ष दोस्त है, ठीक है, उनमें से किसी एक को चूज कीजिए, फिर उसके बारे में बताइए कि जो ट्री है वो वहाँ उसे फ्लावर है। यस द ट्री हैज फ्लावर, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, वो जो फ्लावर है वो पूरे साल रहते हैं वृक्ष पे? नो द फ्लावर्स डो नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, ओके, पूरे साल नहीं रहते हैं वो, कई कई महीनों में ही आते हैं, ठीक है। फ्लावर्स इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से महीने में उनके जो लीव्स होते हैं पत्ते वो फॉल होते हैं, गिरते हैं? जनरली इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, जो ट्री है वहाँ पे फ्रूट्स आते हैं? यस दे ग्रो ऑन दी ट्री, ओके, उगते हैं वहाँ पे फ्रूट्स। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, कौन से मंथ में आते हैं? सो जो मैं ट्री के बारे में बता रही हूँ वो मैंगो के बारे में बता रही हूँ। सो मैंगोज ग्रो इन दी मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ओके। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, आपने वो फ्रूट्स खाया है? यस आई हैव ईटन दिस फ्रूट, ओके, सबने मैंगो तो खाया ही होगा, ओके, सबका फेवरेट जो फ्रूट होता है। समटाइम्स मेक यू हैव रीड इन दी न्यूज़पेपर और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बक, ओके। अब देखो, सम टाइम बैक मतलब कुछ समय पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा कि कुछ फिल्म एक्टर है, ठीक है, उनको लीगल एक्शन फेस करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था, ठीक है। इसी सिलसिले में उनके ऊपर एक लीगल एक्शन हुआ था, ठीक है, ओके। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे जितने भी जानवर है उनको मतलब किल करना, उसको उसका हंटिंग करना अलाउ नहीं है, ओके। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे, ओके। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल्स लगाए हैं कि उसका अगर कोई शिकार करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं उसके बारे में, व्हाई डू पीपल हंट, अगर लोग उसका शिकार करते हैं, उसको मारते हैं जानवर को तो क्यों मारते हैं? तो देखो, पीपल हंट एनिमल्स टू गेट देयर मीट, स्किन, बोन्स, टीथ, ओके। और सम पीपल तो फन के लिए भी एनिमल्स को मार देते हैं, ठीक है, थीके? उनको जैसे मजा आता हो ऐसे पर्पज से ही वो मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, कई लोगों को क्या कि सपोज गाय ले लो, ठीक है, तो गाय का मांस किसी को अच्छा लगता है तो वो गाय को मार देंगे मांस खाने के लिए, ठीक है। फिर कोई किसी सपोज कि टाइगर है तो उनकी जो स्किन होती है, ठीक है, तो उनके लिए उनको मार देंगे, उनके जो बोन होते हैं, टीथ होते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे, सपोज एलिफेंट है तो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ठीक है, मतलब उनके टीथ में से बहुत कुछ बनाया जाता है, तो वो सब इनके लिए, इसी चीज़ों के लिए उनको मार देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उनकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो तभी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स बनाया कि अगर चाहे पर्पज कुछ भी हो लेकिन अगर किसी ने भी एनिमल को हार्म करने की कोशिश की तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, उनको लीगल एक्शन को फेस करना पड़ेगा। लेट्स सी नेक्स्ट, देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, ओके। कुछ रूल्स है अगर आप पनिशमेंट, सॉरी, अगर आप शिकार करते हो एनिमल्स का तो उसके अगेंस्ट रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, ओके, पीपल को पनिशमेंट मिल सकती है। व्हाई डू यू थिंक देर इज दिस पनिशमेंट,
आपको आपको लगता होगा, मीन्स आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वहाँ पे पनिशमेंट होनी चाहिए, बिकॉज इन ऑर्डर टू सेव द एनिमल्स, ओके, एनिमल्स को बचाने के लिए। अगर ऐसे पनिशमेंट नहीं रखेंगे तो लोग ऐसे एनिमल्स को किल करते ही जाएंगे, ठीक है, उसको हंटिंग करते ही जाएंगे, हंट करते ही जाएंगे। तो अगर एनिमल्स ही नहीं बचेंगे तो फिर हमने आगे देखा कि वी कैन नॉट सर्वाइव विथआउट एनिमल्स, ओके, एंड ट्री। अगर एनिमल्स ही नहीं बचेंगे तो हमारा जो जीवन है वो भी खतरे में आ सकता है ना, इसीलिए वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल, ओके। तो ये नियम क्यों बनाया है, तो बिकॉज इन ऑर्डर टू सेव द एनिमल, एनिमल को बचाने के लिए ये पनिशमेंट वाला रूल्स बनाया है, ठीक है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, ओके, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर उनसे पूछिए, ठीक है। विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज, वो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है वो जब आपकी उम्र के थे तब उन्होंने कौन से बर्ड्स को अपने आसपास देखा था, ओके। तो उस टाइम देखो स्पैरो, क्रॉ, कुकू, ईगल, बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्होंने देखा था। अभी तो स्पैरो देखने को ही नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर मिलती है तो बहुत रेयरली मिलती है, लेकिन पहले तो बहुत सारी स्पैरो थी, ओके। सो ये सब जो है दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर ऑफ अवर एज, ओके। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस, यस द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस, ओके। कई तो बड़ी सॉरी कोई तो ऐसे है जो देखने को भी नहीं मिलते, ओके। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, ऐसे कोई बर्ड्स है, ऐसे कोई एनिमल बताओ कि अभी आप उसे देख ही नहीं सकते हो, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। देखो एक तो डायनासोर तो है, वो तो हमें पता ही है कि वो तो मतलब एक्सटिंक्ट हो गया है, वो नहीं देखने को मिलता है। फिर ये जो वॉल्फ है, वॉल्फ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, डायनासोर्स भी अब नहीं है, ठीक है, वो सब भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फिर ये जो ब्लू बक है, वल्चर है, ईगल है, ऑस्ट्रिच, स्पैरो, फिर एक पैराकिना पैरट होता है, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं बर्ड्स और एनिमल्स के जो हमें अभी देखने को मिल ही नहीं रहे, ठीक है। तो आप इनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो, अगर इसके भी इससे भी ज़्यादा आप कुछ आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे सिंपल आंसर दिए है, ठीक है, एज अ रेफरेंस के बेस पे दिए हैं, बट स्टूडेंट्स आर हाईली रिकमेंडेड दैट द राइट आंसर हियर बाय देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड ओन एक्सपीरियंस, ओके। लेट्स इन नेक्स्ट। शांतिस ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड ही सो मोर बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैना देन ही सी टूडे, ओके। जो शांति के जो ग्रैंड फादर थे वो शांति को बता रहे थे कि जब वो स्मॉल चाइल्ड थे, ओके, जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने बहुत सारे स्पैरो को और मैना को देखा था, जो अभी देख रहे उनसे भी बहुत ज्यादा देखा था, ठीक है। अभी देखने को मिलता है लेकिन रेयरली मिलता है, और उस टाइम तो बहुत सारे थे। कैन यू मेक टू गैसेस व्हाई देयर नंबर हैव बिकम लेस, आप टू गैसेस लगा सकते हो कि जो बर्ड्स है उनका नंबर अब क्यों डिक्रीज हो रहा है, ओके, नंबर ऑफ बर्ड्स क्यों डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखो इनका मेरे ख्याल से दो रीजन है, बहुत सारे रीजन है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे टू रीजन मेंशन कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से आपके ध्यान में जो भी है वो रीजन यहाँ पे लिख सकते हो। देखो मेरे हिसाब से पहला रीजन है कि कटिंग डाउन द ट्रीज, ओके, हमें हम सबको पता है कि दिन ब दिन जितने भी वृक्ष कट हो रहे हैं, ठीक है, वो पहला रीजन हो जाएगा, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं है तो वो कहाँ पे रहेंगे, वो पहला हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर क्या है कि अगर वृक्ष नहीं है तो नॉइज पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, ये सब जो है वो इम्पेक्ट करते हैं बर्ड्स पे, ठीक है। तो एक हमारा ये रीजन हो गया। दूसरा क्या है कि रेडिएशन ऑफ सेलफोन टावर कैन हार्म बर्ड्स, ओके, जो रेडिएशन है अभी बहुत सारा रेडिएशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमें जो मतलब हम चीज़ें जो यूज करते हैं, ओके, हम जो सेलफोन यूज करते हैं उसका जो मतलब 4G 5G जो स्पीड हम मतलब होती है हमारी, ठीक है, उनका जो रेडिएशन होता है वो इम्पेक्ट करता है बर्ड्स पे, ठीक है। ये बहुत मतलब इससे क्या होता है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है तो बर्ड्स देख भी नहीं पाते हैं, कहीं कहीं उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो भी चली जाती है, तो ये उनको इस तरह से असर करता है। रेडिएशन तो मतलब ह्यूमन बींग को भी असर करता है, लेकिन ये जो बर्ड्स होते हैं, ओके, उनको ज़्यादा असर करता है। तो ये दूसरा रीजन ये हो गया है, ठीक है, आप अपने हिसाब से और भी कोई रीजन्स है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा रीजन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि टूडेज हाउसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, अभी जो घर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो भी इसको असर करते हैं। वो कैसे? तो पहले के जमाने में जो घर थे वहां पे बहुत सारे मतलब ऐसे होल होते रहते थे या ऐसी जगह होती रहती थी जहां पे वो अपना नेस्ट आसानी से बना सकते थे, ठीक है। और अभी मतलब वो हमारा जो घर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिन ब दिन हमें ऐसे डेवलप करते जाते हैं कि कोई बर्ड्स एंटर हो ही नहीं पाता है, ठीक है। अगर हो भी जाता है तो वो उसको कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि वो वहां पे अपना नेस्ट बनाए, ठीक है। तो ये भी रीजन है, ओके। तो आप ये वो भी लिख सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृतास विलेज, ओके। जो खेजड़ी ट्री थी वो अमृता के विलेज में बहुत ही ग्रो होती थी, ठीक है। इसीलिए तो उनके विलेज का नाम खेजली पड़ा था, ओके। नाउ विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया, आपके एरिया में कौन से ट्री बहुत देखने को मिलती है। नेम टू सच सॉरी नेम टू सच ट्रीज, ओके। ऐसे दो ट्री के बारे में आपको बताना है, ठीक है, उनके नेम लिखने। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर, आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा भी जान सकते हो अपने बड़ों से, ठीक है। सपोज हम हमारे एरिया में नीम ट्री हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सो उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो हम ये बता सकते हैं कि इट हैज लॉट्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ओके। वो तो सबको पता ही होगा, वो टेस्ट में कड़वी रहती है लेकिन उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनकी बहुत है, ओके। फिर इट्स ब्रांचेज आर ऑल्सो यूज एज अ फायरवुड, ओके। फायरवुड ईंधन बोलते हैं, उसमें भी इनका यूज होता है, ठीक है, उनके ब्रांचेस का। फिर होती है, देखो यहाँ पे स्पीस के हिसाब से मैंने थोड़ा ही लिखा है, आप चाहे तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। गुलमोट ट्री, तो गुलमोट ट्री के बारे में इज एन ऑर्नामेंट ट्री, ओके। हम उस ट्री का आभूषण के बेस पे भी यूज कर सकते हैं। गुलमोर इज वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके। उनके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, ओके। इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ओके। इट हैज ऑल्सो मेडिसिनल प्रॉपर्टी लाइक एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी और बहुत सारी है, ठीक है। तो आप अगर ज्यादा लिखना चाहे तो भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। लेट्स सी नेक्स्ट। द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, ओके। वो जो डेजर्ट एरिया होता है, ठीक है, रेगिस्तान एरिया में वो ज्यादा देखने को मिलती है। इट कैन ग्रो विथआउट मच वाटर, उनको ग्रो होने में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इट बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, उसके जो छाल होती है, ठीक है, वो दवा के काम में आती है, ओके। उनसे दवाई बनती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, ओके। उसके जो बीन्स है, ओके, इस पेड़ की जो फलियां बोलते हैं उनका ये लोग क्या करते हैं, कुक करते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, ये कैसा वुड है जहाँ पे इंसेक्ट नहीं लगते हैं, ठीक है, इंसेक्ट उसको असर नहीं कर सकते। एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खिजड़ी, जो एनिमल्स है उस एरिया में, ठीक है, वो खिजड़ी के पत्ते खाते हैं, ठीक है। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, और आपके जैसे जो बच्चे हैं वो उनकी छाया में खेलते हैं, ओके। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, समझ में आया बच्चों? इस चैप्टर में से, ये अमृता की कहानी में से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें भी, हमारा भी एक दोस्त होना चाहिए, ठीक है, वृक्ष को हमें दोस्त बनाना चाहिए। और जैसे अमृता ने उसकी देखभाल की थी, हम भी उसकी देखभाल ऐसे ही करेंगे। और हम यहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हैं कि जैसे अमृता पेड़ को कट नहीं होने देती थी, हम भी पेड़ की रक्षा करेंगे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम भी बिना मतलब कि उसको कट नहीं होने देंगे, ठीक है। आपको ये सीखना है इस स्टोरी में से, ओके बच्चों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। और ये जो आप जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके पास में एक बेल आइकन होगा, वहाँ पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, ओके। और अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, ओके। आपको जैसा भी लगा है, अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ओके। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।